अब हम देखेंगे कि हम किस तरीके से एमएस एक्सेल में रहते हुए सेल्स को प्रोटेक्ट और लॉक कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके सबॉर्डिनेट को आपने कोई वर्कशीट देनी है कुछ चेंजेस करने के लिए, और आप ये चाहते हैं कि वो जो चेंजेस करे वो स्पेसिफिक सेल्स में करें या स्पेसिफिक कॉलम्स में करें, पूरी की पूरी वर्कशीट में अनइंटेंशनली कोई मिस्टेक ना हो जाए या कोई ऐसी मिस्टेक ना कर दे जिसकी वजह से आपकी जो मेहनत की हुई है या आपका जो डाटा है वो सारा डिस्टर्ब हो जाए। तो उस चीज़ से बचने के लिए जो एम एस एक्सेल में एक ऑप्शन होता है वो है प्रोटेक्शन और लॉक का। आप डिफरेंट सेल्स को, डिफरेंट कॉलम्स को और डिफरेंट रोज को आप लॉक भी कर सकते हैं और उसको प्रोटेक्शन के लिए पासवर्ड भी लगा सकते हैं, ताकि जब आप वो वर्कशीट अपने सबॉर्डिनेट को कुछ चेंजेस करने के लिए दें तो वो सिर्फ जो आपने उस अपने सबॉर्डिनेट को स्पेसिफिक सेल्स के लिए परमिशन दी है, एक्सेस दी है, सिर्फ वो उनको ही चेंज कर सके और वो किसी दूसरे सेल को या किसी दूसरे कॉलम को चेंज ना कर सके। तो इस पर्पस के लिए आपके पास ये एक वर्कशीट शो हो रही है जिसमें एम्प्लॉय डिटेल लिखी हुई है। अब एनुअली जो इंक्रीमेंट लगता है और जो प्रमोशन होती है उसके अकॉर्डिंग 15% जो है वो हाइक के साथ जो प्रमोशन हो रही है उसकी बेस पे अब ये डाटा सेट जो है वो ये कह रहे हैं कि इसमें डेजिग्नेशन में और फ़ोन नंबर जो हैं वो चेंज कर दें और बाकी डाटा जो है वो चेंज ना हो। तो उसको हम किस तरीके से इस वर्कशीट के जो डाटा सेट है उसको हम कैसे लॉक कर सकते हैं और कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं पासवर्ड के साथ, ताकि आपका जो सबॉर्डिनेट है बस जो एक्सेस आपने दिए सिर्फ उन्हीं को चेंज कर सकें। सबसे पहले आपने क्या करना है, ये जो कॉर्नर है इस पे क्लिक करते हुए वर्कशीट को सारी को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद किसी भी जगह पे आप राइट क्लिक करें और राइट क्लिक करने के बाद फॉर्मेट सेल पे क्लिक करें। फॉर्मेट सेल पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास ये फॉर्मेट सेल का जो पॉपअप पेज होगा इस पे नंबर्स हों की सेटिंग होगी, अलाइनमेंट होगी, फॉन्ट होगा, बॉर्डर, फिल एंड प्रोटेक्शन। आपने प्रोटेक्शन में जाके पहले सारे सेल्स को लॉक करके ओके कर देना है। लॉक कर दिए, अब ये सारे के सारे सेल जो हैं ये लॉक हो गए हैं। अभी इस पे पासवर्ड नहीं कोई लगा, प्रोटेक्शन नहीं हुई, जस्ट ये लॉक हुए हैं। अब आप ये चाहते हैं कि आप डेजिग्नेशन और जो फोन नंबर वाला जो कॉलम है इसको आप सिर्फ अनलॉक रहने दें और बाकी जो है लॉक कर दें, क्योंकि डेजिग्नेशन और फ़ोन नंबर में आपको चेंजिंग करना चाह रहे हैं। उसके लिए क्या करेंगे, आप ये इन दोनों कॉलम्स को सिलेक्ट कर लेंगे और दोनों में से किसी एक सिलेक्टेड कॉलम पर राइट क्लिक करें और फॉर्मेट सेल पे क्लिक करने के बाद आप उनको लॉक जो क्लिक किया है उसको अनलॉक कर दें और ओके पे क्लिक करें। ओके पे क्लिक करने के बाद अब आपने क्या करना है, आपने राइट क्लिक करना है इस शीट के ऊपर। शीट के ऊपर जब आप राइट क्लिक करेंगे उस पे राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको प्रोटेक्ट शीट का ऑप्शन शो हो रहा है। प्रोटेक्ट शीट पे क्लिक करेंगे, प्रोटेक्ट शीट पे क्लिक करने के बाद वो कह रहा है जी पासवर्ड टू अनप्रोटेक्ट शीट। जो आपने शीट में जो सेल्स हैं या जो कॉलम्स आपने लॉक किए हैं उसको पासवर्ड के साथ आप यहाँ प्रोटेक्ट कर सकते हैं और पासवर्ड से ही अनप्रोटेक्ट कर सकते हैं। आपको पासवर्ड असाइन करना होगा यहाँ पे प्रोटेक्ट और अनप्रोटेक्ट करने के लिए। पासवर्ड सिंपली मैं यहाँ पे दे देता हूँ 1 2 3 4, ओके प्रेस करता हूँ तो मेरे पास ये ऑप्शन आता है री एंटर पासवर्ड टू प्रोसीड। 1 2 3 4 मैं पासवर्ड दे देता हूँ, देन क्लिक ओके। अब आप यहाँ आप देखेंगे तो ये जो है जब आप जिन सेल्स पे आपने लॉक किया हुआ है और प्रोटेक्ट किया पासवर्ड से जब आप उन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये एक एरर शो होगा जो ये कह रहा है द सेल और चार्ट यू आर ट्राइंग टू चेंज इज ऑन अ प्रोटेक्टेड शीट, टू मेक चेंज अनप्रोटेक्ट द शीट यू माइट बी रिक्वेस्टेड टू एंटर अ पासवर्ड। ओके पे क्लिक करेंगे। इसका मतलब ये था कि पॉपअप मैसेज ये कह रहा था कि पॉपअप एरर जो है वो ये कह रहा था कि ये जो सेल आप ओपन करना चाह रहे हैं, इसको एडिट करना चाह रहे हैं, ये प्रोटेक्टेड है पासवर्ड के साथ, आपको इसको अनलॉक करने के लिए आपको पासवर्ड रिक्वायर है। तो इस तरीके से आप जो हैं सेल्स उनको लॉक करके प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब सिर्फ वो सेल्स एडिटेबल हैं जिनको आपने अनलॉक किया हुआ है और अपने सबॉर्डिनेट को एक्सेस दी है कि आप इनकी चेंजिंग कर सकते हैं। ये वो मेथड है जिसके जरिए से हम जो सेल्स हैं या जो कॉलम्स हैं या रोज हैं उनको एमएस एक्सेल में रहते हुए हम लॉक कर सकते हैं और प्रोटेक्ट कर सकते हैं।